मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे अवर सब्जेक्ट जीई स्टैंडर्ड फर्स्ट, वर्कबुक पेज नंबर है 16। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, दिस इज यूज्ड फॉर प्लूरल्स। कंप्लीट द सेंटेंस। सिंगुलर्स, सिंगुलर्स यानी के वन हो, वन लॉक है तो सिंगुलर्स, वन से ज्यादा लॉक्स है, दो है, तीन है तो प्लूरल्स। तो उसके पीछे क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? एस। और सिंगुलर हो तो वन। तो यहां पे देखो, दिस इज ए लॉक, एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज ए लॉक। तो यहाँ लॉक लिखा हुआ है स्पेलिंग, और उसके आगे देज आर लॉक्स, क्या लगा पीछे? एस, प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया? प्लूरल। और ये सिंगुलर्स। तो यहाँ पे देखो, बलून्स, क्या है? बलून्स। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर्स है, क्या है? सिंगुलर्स, वन है इसलिए सिंगुलर्स। तो दिस इज ए, क्या लिखेंगे? बलून्स, बी ए डबल एल डबल ओ एन, बलून। क्या हुआ? सिंगुलर। क्या हुआ? सिंगुलर्स। और वन से बलून्स ज्यादा है, और प्लूरल बनाना है आपको। क्या बनाना है? प्लूरल। तो उसके पीछे क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? एस, बी ए डबल एल डबल ओ एन एस। क्या लगेगा? एस। तो क्या हुआ? प्लूरल। क्या हुआ? प्लूरल। और आगे क्या है? कैट। क्या है? कैट। तो क्या है ये? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर्स। तो दिस इज ए सी ए टी कैट। और आगे देज आर किटन। तो कैट के बेबी का नाम किटन। क्या है? किटन। तो वन किटन नहीं है, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल है तो उसके पीछे क्या लगेगा? एस। तो यहाँ पे के आई डबल टी ई एन एस, किटन्स। क्या आएगा? देज आर किटन्स। आगे हैन, दिस इज ए हैन। क्या है? हैन। तो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर, वन है इसलिए सिंगुलर, वन से ज्यादा। यहाँ हैन के बेबी कितने हैं? थ्री चिक्स। तो उसके पीछे वन हो तो चिक, लेकिन तीन है तो एस लगेगा। तो क्या हुआ? प्लूरल। क्या हुआ? प्लूरल। तो लिखेंगे सी एच आई सी के एस, चिक्स। आगे देखो क्या है? डी ओ जी डॉग। तो दिस इज ए डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग। तो क्या हुआ? सिंगुलर्स। क्या हुआ? सिंगुलर्स, वन है इसलिए सिंगुलर। लेकिन ये बेबी नेम है तो कितने है? टू है। और क्या है? पप्पी। तो पप्पीज क्या होगा? वन से ज्यादा है, टू है, प्लूरल हुआ तो पप्पीज, पी यू डबल पी आई ई एस, पप्पीज। क्या हुआ? पप्पीज। तो यहाँ पे से एंड राइट दिस वर्ड, तो ये वर्ड भी आपको लिखना है और ये भी फिलअप करना है। और आगे पेज नंबर है 44, आवर क्लास टीचर ए कंपोजिशन।
तो यहाँ पे देखो मिस प्रतिभा देश पांडे, मिस प्रतिभा देश पांडे। तो आपको ये मिस प्रतिभा पांडे देश पांडे लिखना नहीं है। आपके क्लास टीचर कौन है? मिस कौन है? मिस ज्ञानुमति जी एन ए एन यू एम ए टी आई ज्ञानुमति मैम। और इज आवर इज से अवर से लेकर लव हर तक आपको यहाँ पे वर्कबुक के पेज पे 44 पेज नंबर पे लिखना है। आपको नाम यहाँ मिस ज्ञानुमति मैम इज अवर से लेकर ऑल्सो लव हर यहाँ तक आपको लिखना है, वर्कबुक फिलअप करनी है। ओके, थैंक यू।